अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, सुबह सवेरे सवेरे उठ गया हूँ और आज मुर्गी ने भी बड़ा दौड़ा है। यहाँ से उतरी सीढ़ियों पर, ये बैठती है शाम के टाइम, और यहाँ से उतरी उस तरफ, वहाँ से गिर गई नीचे घर पर, फिर घर से निकल गई बाहर। जी दोस्तों, पूरे मोहल्ले में उसने दौड़ाया है, बाहर कोई भी नहीं था, मैं अकेला उसके पीछे दौड़ता रहा और उसको पकड़ के लाया ऊपर। ये खाकी जो हमारी मुर्गी है वो उस तरफ जाके सूख गई है। अजी दोस्तों, कबूतरों को भी निकालते हैं, और कबूतरों को पहले निकाल कर आपको दिखाते हैं, आपको शो करवाते हैं कि कौन कौन से कबूतर उड़ाते हैं। पहले टाइम चेक करते हैं, आज थोड़ा लेट हो गया होगा। अजी दोस्तों, 7 मिनट आज लेट हो गए, 5:30 बजे तक कबूतरों को निकाल देता हूँ। अजी दोस्तों, वो कबूतरों का भी आपको शो करवाता हूँ। अजी दोस्तों, ये सारे कबूतर हैं, मगर इनको निकाल कर जो जो उड़ाते हैं उनको निकाल कर फिर आपको शो करवाते हैं, फिर बाद में इनको उड़ाते हैं। अजी दोस्तों, कबूतरों को निकाल दिया है बाहर, कबूतरों का शो करवाते हैं आपको, फिर उनको उड़ाते हैं। अजी दोस्तों, 4 कबूतर ये हैं, इसमें 2 पट्ठे हैं और 2 कबूतर ये हैं। अजी दोस्तों, में जो पट्ठे हैं वो अक्सर पट्ठे जाकर वो सामने जगह पर बैठ जाते हैं। अजी दोस्तों, ये 2 पट्ठे वहाँ जाके बैठ जाते हैं अक्सर, और जब ये दूसरे कबूतर उड़कर वापस आ जाते हैं फिर दोबारा इनको उड़ाता हूँ तो ये फिर उनके साथ उड़ते हैं। फिलहाल तो अभी उड़ रहे हैं, देखेंगे कि ये उड़ते हैं या ये आकर वहाँ उस जगह पे बैठ जाते हैं। 4 कबूतर इस तरफ हैं, 2 कबूतर ये रहा और दूसरा ये रहा, ये 6 कबूतर हैं टोटल। अजी दोस्तों, ये 6 कबूतर उड़ रहे हैं। इस टाइम इतना सवेरे इस वजह से उड़ाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम ये नीचे बंद पड़े हुए थे, और थोड़ी देर से उड़ाते हैं तो काफ़ी लोगों के कबूतर उड़ते हैं और ये उनके साथ यहाँ से गायब भी हो सकते हैं, उड़कर जा भी सकते हैं, तो इस वजह से सवेरे उड़ाता हूँ कि ये लौट कर वापस आ जाएंगे। जब ये सेट हो जाएंगे बिल्कुल तो किसी भी टाइम इनको उड़ा सकते हैं, तो ये वापस अपनी जगह पर ही आएँगे। अजी दोस्तों, ये देखें सामने काफ़ी परिंदे एक झुंड बनाकर जा रहे हैं। ये देखिए, बड़ी लाइन बनी हुई है इनकी, काफ़ी दूर से आ रहे हैं। ये देखिए, बड़ी लाइन बनी हुई है इनकी। अजी दोस्तों, कबूतर सारे आ गए नीचे, और सबसे पहले ये पट्ठे उतरने की कोशिश कर रहे थे मगर ये अभी तक नहीं उतरे, ये भी उनके साथ ही उड़ रहे हैं। एक कबूतर बिल्कुल ऊपर वो नज़र आ रहा होगा आपको, और ये 5 कबूतर नीचे आ गए हैं। एक ये और एक ये रहा, सबसे पहले ये पट्ठे उतरते हैं मगर माशाल्लाह आज इनके साथ ही ये उड़ रहे हैं, अभी तक ये नहीं उतरे। तो ये जैसे ही उतरेंगे तो ये अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे, ये जाकर वो सामने बैठ जाएंगे उस जगह पे। पट्ठे यहाँ पर बैठ गए और दूसरा कबूतर भी इनके साथ बैठने की कोशिश कर रहा है। 3 कबूतर यहाँ छत पर उतर आए और ये आखिरी कबूतर बचाए, वो सामने भी आपको कबूतर नज़र आ रहे हैं। भाई ये यहाँ पर किसी ने अभी कबूतर उड़ाए और हमारे कबूतर अभी सारे उतर भी आए नीचे, वो एक ही बार ये रह गया है तो ये भी उतरने की कोशिश कर रहा है, ये भी आ गया नीचे, ये उतरा नीचे, आ जा आ जा आ जा आ जा। अजी दोस्तों, ये अभी 1-2 चक्कर लगा कर ये भी नीचे बैठ जाएगा। अजी दोस्तों, सारे कबूतर छत पर उतर चुके हैं और मुर्गियों के लिए भी चावल लेकर आएँ तो उनको चावल देते हैं, और खरगोशों के लिए फ्रूट के छिलके लेकर आएँ तो उनको फ्रूट के छिलके देते हैं। अजी दोस्तों, इनके पास दाना भी पड़ा हुआ है, कुछ फ्रूट के छिलके भी हैं तो ये भी इनको दे देते हैं, ये बड़े शौक से खाते हैं। ज़्यादा जेलों के छिलके हैं और चलकर मुर्गियों को भी चावल देती है या चापल यहाँ से खा लेते हैं। अजी दोस्तों, ये चावल भी लेकर आएंगे, ये चावल भी खा लेंगे। ये भी आ गए निकल आई अभी बाहर, खाकी मुर्गी भी, ये सुबह इसने बड़ा तंग किया था हमें। अजी दोस्तों, सोच रहा हूँ कि कबूतरों के लिए ऊपर सेटअप बनवाएं यहाँ ऊपर छत पे, यहाँ पहले बकरियाँ लेकर आएँ, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इनके लिए कबूतरों के लिए पहले सेटअप बनवाएं या बकरियाँ लेकर आएँ, बकरियों का शौक करें तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अजी दोस्तों, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक किया करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अजी दोस्तों, कबूतर आ गए नीचे, ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये 6 कबूतर ही बैठे हुए हैं, तो पहले इनको दाना देते हैं, इनको और चूज़ों को, बाद में इन कबूतरों को भी खोलेंगे
फिर इनको दाना और पानी अलग इनको देंगे, इनको बाजरा और गंदम मिक्स करके देंगे, और जो उड़ाते हैं कबूतर और जो ये सारे बंद कबूतर पड़े हुए हैं इनको बाद में निकाल कर इनको बाजरा देंगे और गंदम देंगे। अजी दोस्तों चूज़ों को भी सुबह मैंने चावल वगैरह दे दिए थे, इनके पेट भरे हुए हैं, फिर भी इनको बाजरा दे देते हैं। ये बाजरा शौक से खा रहे हैं और गंदम ये बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। दोस्तों कबूतरों को बाजरा दे दिया और चूजे देखें सारे उस तरफ भाग गए, इन्होंने समझा शायद वो इन कबूतरों के केज की खिड़की खुल गई है तो ये अंदर उसी टाइम चले जाते हैं। जैसे मैं इनकी कबूतरों की खिड़की खोल देता हूँ कबूतर सारे निकल आते हैं बाहर, तो ये चूजे सारे अंदर चले जाते हैं, पता नहीं क्या वहाँ से क्या कीड़े मकोड़े ये सब खाते हैं, इस वजह से ये सारे चूजे उस तरफ चले जाते हैं। अजय दोस्तों ये कबूतर ये दाना खा रहे हैं, तब तक चल कर दूसरे सारे परिंदों का दाना पानी चेंज करते हैं। कल मैंने इनको भिगोया हुआ अंदर दाना दिया था तो जो बाजरा वगैरह था वो मैंने निकाल दिया था। अजय दोस्तों उनमें से कुछ परिंदों ने खाया है और कुछ ने थोड़ा सा खाया है, तो वो सारा दाना वहाँ से निकालते हैं और उन्हें बाजरा भर देते हैं। इन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा ही छोड़ा हुआ है और इन्होंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, गंदम वो पूरी पड़ी हुई है, मेरे ख्याल में इन गुरुओं ने गंदम नहीं खाई। अजय रोटी पोली ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और ऑप्शन ने भी देखें, उन्होंने बिल्कुल अपना दाना ख़त्म कर दिया है और आपसी ने पास जो हमने रखा था वो प्लेट बिल्कुल खाली है, तो इनके बर्तनों में बाजरा डाल देते हैं। दोस्तों ऊपर भी सब परिंदों का दाना पानी चेंज करके आए, वो नीचे जो ये कुछ परिंदे पड़े हैं कॉप्टर हिंगोरमो और ग्रेजावा कोमल लोटिनो, तो इनका भी दाना यहाँ चेंज कर दिया, इनको भी कर मैंने भगोया हुआ दाना दिया था तो आज इनका भी दाना चेंज कर दिया और बाजरा डाल दिया, तो ये अभी हम बाजरा खा रहे हैं तो चलते हैं सबसे। अजी दोस्तों छत पे आ गए और कबूतरों को निकालते हैं, सब कबूतरों को बाहर टेडियों को मैंने खोल दिया है और इन कबूतरों को भी निकाल दें। अजी तो सोच रहा हूँ कि जो शिराजी कबूतर ने अंडे दिए हैं एक अंडा दिया, एक अंडा मेरे ख्याल में कल तक देंगे, तो ये अंडे उठाकर इस कबूतरी के नीचे रखें, ये कबूतरी खुद अंडे नहीं देती, अगर इसके नीचे कोई और अंडे किसी और कबूतर के अंडे रखें तो ये माशाल्लाह सही से बच्चे वगैरह पाल लेती है, तो सोच रहा हूँ कि इनके अंडे निकाल कर इस कबूतरी के नीचे रखें। ये देखें अभी भी ये बैठी हुई है मगर इसके नीचे एक भी अंडा नहीं पड़ा हुआ, मगर ये सारा दिन और सारी रात ये ऐसे बैठती रहती है, ये उठ जाती है तो फिर इसका जो नर है मेल वो आकर ये यहाँ बैठ जाता है, ये देखें वो आ गया इस तरफ। अजय दोस्तों ये सारे कबूतर भी निकाल दें, पहले आप इन कबूतरों का शौक करें। ये कबूतर जो पट्ठा है और जो उस तरफ ये पट्ठा आपको नज़र आ रहा है ये दोनों भाई हैं, पहले उन्होंने वो बच्चा दिया था, एक बच्चा वहाँ उसमें से मर गया था और ये माशाल्लाह बड़ा हो चुका है, ये नीचे जो पोर्शन में पड़े हुए थे जिस टाइम कबूतर ये उस टाइम ये बच्चा हुआ था और ये बच्चा यहाँ पर इन्होंने दिया है माशाल्लाह ये बड़ा होगा, दूसरा बच्चा चूजे खा गए थे और ये एक बच्चा माशाल्लाह सही से बच पाया है, ये पूरे कबूतर हैं, तो इनको भी निकालते हैं बाहर, इतनी सी खिड़की खोल देंगे और इनको भी निकालते हैं। अजी दोस्तों शिराजी कबूतरों को भी निकाल दिया और इनको दाना पानी देकर दोबारा बंद कर देंगे, जोड़े कोई ऐसा ना हो कि इनके अंडे जाकर ये चूजे खा लें। अजी दोस्तों जैसे ही मैंने कबूतरों को खोला और इस तरफ देखें ये चूजे पहुंच गए, दो चूजे आ गए, जैसे इनकी नज़र यहाँ पड़ेगी तो ये दूसरे चूजे भी दौड़ते हुए इस तरफ आ जाएंगे, ये देखें आराम आराम से आते जा रहे हैं, और दूसरा जो ये भागता वो सीधा चला गया अंदर, ये देखें पता नहीं यहाँ अंदर ये क्या खाते रहते हैं, तो इस वजह से जैसे ये खिड़की खुलती है और ये भागकर सीधा इन कबूतरों के कैच में अंदर चले जाते हैं। अजी दोस्तों कबूतरों को भी दाना दे दिया और इनका पानी भी भरकर रखा है दोनों बर्तनों में, और फीमेल देखें कबूतरी जाकर अपने अंडे में फिर से बैठ गई है। अजी दोस्तों यहाँ पर दो अंडे भी पड़े हुए हैं और ये अंडे भी यहाँ से उठा लेते हैं, ये अंडे कल यहाँ पर देखे थे हमने, जो खाकी मुर्गी है हमारी वो अंडे यहाँ पर दे रही है, और अब शाम के टाइम कबूतरों परिंदों के पास आएंगे, सब परिंदों को दाना पानी दे दिया है और दिन के टाइम भी इनके पास चक्कर लगाता हूँ, फिर शाम के टाइम आएंगे और वीडियो भी बनाएंगे और इनको फिर से दाना पानी भी देंगे परिंदों को सबको। अजी दोस्तों घर पर मेहमान आए हुए थे तो इस वजह से शाम के टाइम वीडियो नहीं बना सके, वो शाम के टाइम आया था सब परिंदों को दाना पानी देकर और बंद कर चला गया था नीचे, अभी अभी छत पर ऊपर आया हूँ, और आज अहमद हुसैन हमारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया है तो वो भी आपको दिखाते हैं, ये गिफ्ट यहाँ पड़ी हुई है तो ये भी आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या चीज़ अहमद हुसैन ने ली है हमारे लिए, और देखते हैं इसमें क्या है और आपको भी दिखाते हैं। ये देखें ये अहमद हुसैन हमारे लिए कराची से लेकर आया है, और इसको खोलते ये कहाँ से खुलेगी,
पड़ती है। और ये देखिए ये स्टिक है, ये बिल्कुल छोटी स्टिक है, ये मेरे ख्याल में वो है जो हाथ में पकड़ के वीडियो वगैरह बनाने के लिए होती है, बिल्कुल छोटी है, तो ये भी काम दे देगी। अजी दोस्तों ये भी काम आ जाएगी वीडियो वगैरह बनाने के लिए, कहीं पर रख कर मोबाइल को यहाँ से वीडियो वगैरह बना सकेंगे। और इसमें माइक भी है, तो माइक हमारे काम की नहीं, क्योंकि हमें इंटरव्यू वगैरह तो किसी से नहीं लेना, तो ये माइक हमारे काम की नहीं है। और ये तार वगैरह है मेरे ख्याल में, और ये लाइट भी है इसकी, ये लाइट मेरे ख्याल में यहाँ पर सेल वगैरह लगेंगे, तो ये इनकी लाइट है। और ये क्या चीज़ है ये पता नहीं, ये मेरे ख्याल में तस्वीर वगैरह निकालने के लिए इसमें लगेगी। और ये भी मेरे ख्याल में ये इसमें मोबाइल लगेगी, और ये लगेगी यहाँ पर इस स्टिक पे लगेगी, यहाँ पर मेरे ख्याल में ये लगेगी, ये नट वगैरह की जगह पीछे से बनी हुई है इसके, ये यहाँ पे लगेगी। तो कल हेमंत हुसैन आएगा तो उससे पूछेंगे, मैंने भी खोल कर नहीं देखी थी। हेमंत हुसैन ने बताया कि आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आया हूँ, तो आप खुद खोल कर चेक करना, मैं नहीं बताऊँगा। तो अभी अभी आपके सामने ही मैंने ये ओपन किए। अजी दोस्तों इसको रखते हैं फिलहाल, ये काम आएगी जिस टाइम मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, और कबूतर वगैरह या ऐसा कोई परिंदा वगैरह का शौक करवाना होता है तो आराम से आपको दिखा सकूंगा सही से। अजी दोस्तों तो वीडियो का भी यही एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत सारा सपोर्ट करें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।